further and taking it further. You see, the first thing is just the building, which is nothing to be honest. But without buildings, you can't do anything. That's why you buy a building. Masjid al-Nabawi or any of these other religious centers, the building is not important. It is what's relating to that place. The intention is more important. The output is more important. The connection that you have with Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet in that masjid is more important. This is called a Husayniyah, for example, Imam Barga. That connection between you and the Imam al-Islam through this masjid is more important. The building is not the bricks and the roof and the floor, the carpets, the lights. That's not the building. That has no importance. Those are secondary things. The primary thing is that this building belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and belongs to the Imam of our time. So therefore when we are here, we are in service of Allah subhanahu wa ta'ala, we are in his ibadat, and we are at the service of our Imam al-Islam, in the khidmat of the Imam al-Islam. That's what we should think. I've been given 5 to 10 minutes for me. I should not swear to Urdu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A few more minutes in English, or should I just transfer to Urdu? Azizane Muhtaram, ye jo imarat hai, jisme aap baithe hain, ye ek असासी हैसियत सिर्फ तब तक रखती है जब तक ये बिल्डिंग ना हो। जब हासिल हो गई तो अहमियत इन दीवारों की नहीं है, अहमियत इस छत की या इस जमीन की नहीं है, अहमियत उस मकसद की है जो इस बिल्डिंग से वाबस्ता है। यहाँ पे एक शेर बड़े बुजुर्ग आलिम से मैंने सुना, मैं पढ़ते हुए कह रहे थे, आपने जैसा सुना होगा तसव्वुर में, आप सबके होगा, उसी से सब लोगों ने बनाए हैं स्टोरीज बनाई, लैला और मजनू। लैला मजनू आप लोगों के अंदर अरबी का है, बहुत बड़ा शायर था। मौला से पूछा कि मौला सबसे अच्छा का आपका फेवरेट कौन सा शायर है, तो आपने कहा मुराद फैस, जिसने ये पूरा लैला मजनू के साथ खड़ा है। इट्स ऑल मेकर, रियल नहीं है, सच नहीं है, खड़ा हुआ है। कहा कि मौला उसने तो सिवाय और किसी की बातों में कुछ नहीं कहा। कहा मैंने उसकी बातों को अच्छा नहीं समझा, उसकी शायरी को अच्छा समझा। शायरी से मुराद नहीं जो उसने शेर इस्तेमाल किए, जो जुमले थे। कोई उमराल फैस कहता है कि वो जो मजनून था, दीवाना हो गया था मोहब्बत, ये मजाजी मोहब्बत, मैं हकीकी मोहब्बत की तरफ जाना चाहता हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। अब ये ना समझिएगा कि ये मजाजी मोहब्बत की तरफ निकल जाए, तमाम करा ये दुनिया की चीज है। मजाजी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है, हकीकी मोहब्बत असल में, तवज्जो है ना मेरे साथ। जब उमराल फैस कहता है कि मजनून जब जहाँ लैला हो गई उसके बाद उसी घर में जाता था, वो कब बिल बदल जदार बदल जदार, वो कहता था जब मैं जाता हूँ ना लैला के घर में, अब मैं दीवारों के बोसे लेता फिरता हूँ, कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे। वमा हुब्बुद दियार शरफ नकल भी वलाकिन हुक्म मन सकनत दियार, उसने अरबी में शेर कहे अमर रो अला दियार दियार लैला। वो कहता मैं घरों के पास गुजरता हूँ, कौन सा घर, कहा मुझे लैला का घर था, कभी इस दीवार का बोसा लेता हूँ कभी उस दीवार का। ये दरो दीवार नहीं है जिसकी वजह से मैं इसके बोसे लेता हूँ, बल्कि वो जो यहाँ पे साकिन था। बहुत से लोग कहते हैं, शिया लोग जाते हैं कब्र गारे मट्टी के बोसे देते हैं, सोने चांदी के बोसे देते हैं, जरी सोने चांदी की बनी है, पैगंबर की कब्र गारे मट्टी की है, गारे मट्टी की सोने चांदी कोई अहमियत नहीं है, वो जो नबी और आले नबी हैं उनकी वजह से हम बोसे देते हैं, माशाल्लाह उनकी वजह से हम ये कब्रों के जरी है मुकद्दस के बोसे देते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए जो अहमियत है वो इन दीवारों की नहीं है, यहाँ वाबस्तगी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपको जो याद कहानी होती है, जब आते मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद कहते हैं खुदा का घर, हुसैनिया इमाम का घर, इमाम बारगाह कहते हैं ना इमाम का घर। जब आए तो ये किसकी बारगाह में आ रहे हैं, ये इमाम की बारगाह में आ रहे हैं। लेकिन जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, वालिदैन से मिलने जाते हैं, अच्छे अंदाज से जाते हैं, सलाम पहले करते हैं, खड़े रहते हैं जब तक वो बैठ ना जाए, ताजीम करते हैं, एहतराम दिखाते हैं, ये दुनियावी जो खुदा मंद मुताल्लिक मनसब वालिदैन का एहतराम वाजिब करार दिया है, ये दुनियावी। और जो वालिदैन से ज्यादा मकाम रखता है वो है इमाम वक्त। तो उनकी बारगाह में आए तो इस तरह से आए, तैयार होके आए, कैसे, सिर्फ अच्छा लिबास पहनना नहीं, लिबास और खुशबू ये जाहिरी चीजें, बातिनी चीज क्या है, जब इंसान आए इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो अपने दिल को पाक करके आए, सिर्फ जिस्म पाक ना हो, मैं तहारत का लिहाज रखू, पाक हूं, वजू से हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, नहीं, ये तो जाहिरी है।
बल्कि बातनी तौर से जितना दिल पाक होगा उतना ज्यादा इंसान से इमाम अलैहि सलाम से इंसान को कुर्ब होगा। ये दिल जो है ना खुदा का घर है। जब मौला मुत्तकियान से पूछा गया का मौला खुदा कहते ला मकान है, कोई ऐसा मकान है जहाँ खुदा रहता है? का मोमिन का दिल है, एक ऐसा मकान जहाँ खुदा रहता है, एक ऐसा ये ऐसा घर है मोमिन का दिल, खुदा का घर, मोहब्बत खुदा का घर, खुदा दिल में रहता है। इसलिए कभी दिल को नहीं तोड़ना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए मोमिन के दिल को, ठेस ना पहुंचाए खुदा को खुदा नाराज होगा। अल्लाह पैगंबर फरमाते ला तदखुलू मलाइका तो बेहतर ये घर, उस घर में मलाइका दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो। अब ये तसव्वुफ में बारे में नहीं जाऊंगा, फिकही पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा मैं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, इरफानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जब तो एक घर के अंदर नजासत होता क्या है, नजिस है, जब नजासत होगी तो वहां मलाइका नहीं आएगी, क्योंकि मलाइका पाक ही कुत्ता नजिस है। समझ गए मेरे साथ? अब अगर दिल इंसान का खुदा का घर है, जब तक इसके अंदर नजासतें होंगी, दुनिया की मोहब्बत होगी, तकब्बुर होगा, नफ़रत होगी, हसद होगा, लालच होगी, जब ये अखलाकी नजासतें इस दिल में होंगी तो खुदा पाक है वो नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं खुदा इस दिल में रहे, मोहब्बत से इमाम अलैहि सलाम इस दिल में रहे, तो फिर वो तमाम की तमाम नजासतें निकालनी होंगी ताकि पाकीजा चीजें आ सके। पाकीजगियों को लाने के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। आइए जिस सूरह का मैंने इंतखाब किया वाला असल की कसम, कौन सी असल? अब ये इख्तलाफ असल इस्लाम, इब्तिदा इस्लाम, यह वो असल का वक्त जब पैगंबर इस्लाम ऐलान इस्लाम कर रहे थे, यह वो असल का वक्त जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, यह वो असल का वक्त जब सैयदुल शुहदा की शहादत थी। कौन सी असल आया? ये किसी वाकई असल ही का वक्त है या किसी असल जमाने का तज़किरा है? बलासर असल कसम, यानी शायद जमाने की कसम, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, खुदा जमाने की कसम भी खा सकता है, कसम मालूम नहीं कौन सा कसम है। शायद असल की नमाज की कसम हो, असल के वक्त कसम हो, खुदा कहता है जमाने की कसम, सारे इंसान खसारे में है। इन्नल इंसान लफी खुसर, इन्नल इंसान अल इंसान का, इन्ना इंसान ने कहा कि एक इंसान को खसारे में नहीं, इन्नल इंसान, सारे के सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है, एवरीवन इज लॉस, सब नुकसान में। लेकिन खुदा फिर कहता है मुझे एक्सेप्शन बता देता हूं कौन कौन लॉस में नहीं है। इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इस्तिस्नात कौन है? खुदा फरमाता है कि वो जो ईमान लेके आए, बाईमान अफराद है उनको खसारा नहीं है। इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो पहला ग्रोह जो ईमान लाए, दूसरा वो जो अमल सालेह अंजाम देते हैं। आया ये दो ग्रोह है, ये एक ही ग्रोह है। ये दो ग्रोह नहीं है, पता ये नहीं कह रहा कि एक एक्सेप्शन वो है जो ईमान लाए, दूसरा वो कि जो अमल साले अंजाम दे, नहीं, वही जो ईमान लाए और अमल साले अंजाम दिया वो एक्सेप्शन है। इतना परवरदिगार नहीं, खुदा ने कहा इतने काफी नहीं है कि खुद ईमान ले आए, मोमिन हो गए, खुदा को मानने लगे, रसूल खुदा को मानने लगे, आइम्मा की विलायत को मानने लगे, नहीं काफी नहीं है, उसके बाद हमारे सारे अंजाम दे, नेक अमल अंजाम दे, परवरदिगार काफी है नेक अमल अंजाम दे, खुदा ने कहा नहीं ये भी काफी नहीं है। परवरदिगार ईमान ले आए, हमारे सारे करने लगे, अब और क्या करें? खुदा ने कहा अपने लिए ना सोचे, खुद गर्जी ना देखे बल्कि दूसरों का भी सोचे, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। जब ईमान आ गया, अमल सालेह करने लगे, अब दूसरों को वसीयत करेंगे, दूसरों को भी कहेंगे देखो मैं तो ईमान लिया आया, अमल सालेह करने लगा, वतवासो बिल हक, हक क्या है? यानी ईमान, आओ तुम भी हक के साथ ज्वाइन हो जाओ, आओ तुम भी हक के पास आ जाओ, हक में शामिल हो जाओ, हक की तरफ आ जाओ। कौन हक है? आइए जरा पैगंबर से सवाल करते हैं हक क्या है। पैगंबर फरमाते हैं अली मान हक वल हक मा अली, माशाल्लाह। ये वो हदीस है कि जिसको हमेशा आधा सुनाया जाता, पूरी हदीस नहीं सुनाई जाती। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, और उल्टा नहीं कहना चाहिए, जैसा पैगंबर ने कहा वैसा ही कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ, नहीं, पैगंबर ने कहा अली हक के साथ है, ये कहते नहीं 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 अली हक के नहीं, हक अली के साथ है, समझ जाऊंगा। अगर पैगंबर ये कहते ना हक अली के साथ और अली हक के साथ, इसका मतलब है हक आगे है अली पीछे है, पैगंबर बता रहे नहीं अली के मान हक अली हक अली हक के साथ, ये कहते नहीं वल हक को मा अली, हक
अली के साथ है। अल्लाहुम्मा दरिल हक कमा दारा अली, परवरदिगार हक को इतना अदब सिखा दे जहां अली मुड़े हक हो जाए।